स्पेशल इडली खाने के लिए। देखिए किस स्पीड में इडली का निर्माण हो रहा है। ये बताइए ये दो तरह का क्यों है? बिद्री में श्री रेणुका अंबे 30 इडली, ये एक विशेष प्रकार की इडली है। इस तरह की आप देखेंगे यहाँ कई रेस्टोरेंट खुल चुके हैं बिद्री शहर में। ये हाईवे के ऊपर स्थित है। बिद्री 30 इडली, वो देखिए सब रेणुका के नाम से ही है। बिद्री पुलिस स्टेशन भी है यहाँ साथ में, और ये हाईवे के ऊपर स्थित है। मैसूर जाते हुए, बेंगलोर से ये मैसूर की ओर जाते हुए, चलिए हम आपको लेके चलते हैं स्पेशल इडली खाने के लिए। इसमें इडली एक बड़ा और इसके ऊपर मक्खन। पहली बार आपने देखा होगा कि इडली के ऊपर मक्खन लगा के, नीचे गैस जल रही है, पानी से नीचे इसके स्टोरेज है जहां उसको पानी की जो स्टीम बनती है उससे ये इडली जो है पकती है। ये देखिए दो सिंगल का ऑर्डर। देखिए किस स्पीड में इडली का निर्माण हो रहा है। एक स्पेशल बड़ी सी कटोरी है जिसमें एक ही करछी में जो चावल के घोल और साथ में दाल दोनों मिक्स, और इस तरह से एक साथ 40 इडली तैयार हो जाती है इसमें। और साथ साथ जो ऑर्डर आ रहा है वो भी देखिए इसमें ऐसे जा रहा है। ये देखिए मक्खन, मक्खन को ठंडे पानी में रखा जाता है। आज हम बिद्री में आए हैं, यहाँ की इडली बहुत फेमस है। ये देखिए इस साइज की इडली आपने देखी नहीं होगी। ये इडली का साइज देखिए,
ये देखिए, ये चार इडली एक साथ कितने इडली बन जाता है इसमें? 40 40 इडली एक साथ बनती है। और ये इस साइज की इडली आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी, बहुत फेमस इडली है यहाँ की। और ये देखिए, इसकी दो तरह की चटनी है, अभी ये सर्व करेंगे इसके ऊपर। और आज मैं स्पेशली जब भी यहाँ से जाता हूँ मैं इडली अवश्य खाता हूँ। इतना सॉफ्ट इडली, ये दो प्रकार की इसमें चटनी डाली जाती है और फिर इसमें बड़ा डालते हैं, एक बड़ा रखा जाता है और उसके बाद इसमें इसमें बटर एक और। ये देखिए, ये पूरी प्लेट तैयार हुई है। अब हम इस प्लेट को टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग खाने के लिए आते हैं। आपका क्या नाम है? कुमार। कुमार कुमार जी, ये किसने शुरू किया था? आपके पिताजी ने? 1959। ये 1959 में किसने शुरू किया था बनाना? पिताजी ने। तो आप ये इतने बड़े साइज की क्यों बनाते हैं? सही जाके कच्चा खाने से मिलता ही करते हैं। ये देखिए जी, इडली इतनी सॉफ्ट इडली देखिए, और ये चटनी के साथ इसको खाया जाता है, टेस्ट अच्छा है और एकदम ये घुल जाती है मुंह में जाते ही। हम कहीं भी, इतनी सॉफ्ट इडली मुझे पूरे भारत में कहीं नहीं मिली खाने के लिए। जो ये रामनगर से पहले बेंगलोर से आते हैं मैसूर रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर ये शहर है बिजली शहर, जहाँ ये इडली मिलती है और ये सबसे पुरानी दुकान है। और आज इसके आसपास कम से कम 10-15 दुकानें और खुल चुकी हैं और सबका यही नाम है। वाह, लेकिन इधर अच्छा रहता, ये बहुत ही टेस्टी है। ये यहाँ का सबसे फेमस होटल है। मैं बहुत बार यहाँ, हमारे सहयोगी जो है हसन रघु जी, वो मुझे यहाँ लेके आए थे, जो रामनगर में, जिनके पास मैं अभी जा रहा हूँ। और सच में बहुत ही आनंददायक, जब भी आप ट्रेवल करें मैसूर जाते हुए यहाँ अवश्य रुकिए और यहाँ रुक कर आप जो है इसका आनंद लीजिए। वो 24 आवर्स ओपन है ये दुकान। क्या बात है, 4 बजे से रात को। आप मेरे पास आइए इधर। ये कितने बजे खुल जाती है दुकान? 4 बजे खुल जाती है और रात को 10:30-11 बजे क्लोज होती है। सुबह 4 बजे से कितने लोग रोज खाते होंगे यहाँ पर? एक दिन में कितने लोग आ जाते हैं? बहुत लोग आते हैं। जैसे ने बताया कि सुबह हाउसफुल होता है यहाँ, वेटिंग होती है, सारी चेयर्स भरी हुई होती हैं और उसके बाद। अच्छा ये बताइए, ये दो तरह का क्यों है? नहीं, ये घर चटनी है, पानी है, ये पार्सल का देता है, ये पार्सल है वो इधर खाने के लिए। इधर खाने के लिए आलू के सागु है। अच्छा, इसमें आलू की सब्जी भी होती है अगर कोई खाना चाहे तो? इसके साथ आलू की सब्जी भी आप देके खा सकते हैं। थोड़ी सी मैं टेस्ट करता हूँ इसको। इसको सागु बोलते हैं, ये आलू की सब्जी है। सुबह इडली रहता है, डोसा एंड पूरी, बात कमाल की इडली है जी। अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा है जी। ये मालूम है मेरे को, बेंगलोर से आ रहा था, मैंने कहा रहमान मुझे कहा गया खाना खाने के लिए, मैंने नहीं खाया। मैंने बोला दिल्ली में जाके खाएगा, इंतजार किया मैंने यहाँ के लिए। बहुत बढ़िया जी, मेरी शुभकामनाएं। और मैं निर्मल रतन लाल भैर आप सबसे भी कहता हूँ, जब भी इस रूट पे आए जितने खाने के अच्छे जॉइंट है उनके बारे में आपको बराबर बताता जा रहा हूँ। और ये बिजली की इडली, इडली क्या, ये तो इडला है, इडली से 3 गुना बड़ा साइज है। और आपने 2 इडली खा ली तो आपका लंच ब्रेकफास्ट
पूरा हो जाता है, स्वाद भी और इसमें पौष्टिकता भी भरपूर है, कुछ भी तला हुआ नहीं है ये। इसमें कुछ स्पेशल डालते हैं आप? नहीं, स्पेशल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये मिर्ची डालते हैं, मिर्ची नमक नमक डालते हैं। इतनी सॉफ्ट कैसे है इडली ना? मूंग दाल का है, दाल का है, चावल डालते हैं, इडली का चावल आते हैं। और उद्दीन बेले आते हैं ना, जो उद्दीन बेले ये नाम ना, इसमें मूंग दाल है। अच्छा, ये चावल के साथ इसमें मूंग दाल डाली जाती है जिससे ये इतना सॉफ्ट है। आज हमें इसका राज पता चला। तो मैं निर्मल रतनलाल वैद, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, ऐसे स्वादिष्ट चीजों के बारे में आपको जानकारी देता रहूंगा और आप इसका आनंद लीजिए। अगली बार किसी नए जॉइंट पर मिलेंगे आपसे। बाय बाय। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। ये एक नई आइटम मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, पुलाव की तरह से ये राइस आइटम बना रहे हैं। पुलियो ग्रह, क्या नाम है इसका? पुलियो ग्रह। पुलियो ग्रह, अयंगर पुलियो ग्रह। इसमें क्या क्या डाला आपने? सर कन्नड़े हिंदी ट्रांसलेट पड़ता एण्णे ससवे उप्पु कडले बीज इस मसाले में इन्होंने क्या क्या डाला है? वो राइस आता है ना, और राइस का मिक्स करता है पुलियो ग्रह। ये पुलियो ग्रह का स्पेशल बना करता है, गार्लिक एण्णे और कड़लाकाय बीजा, करबेन सप्पो, मेणसु मेणसिनकाय और स्पेशल का वो कैचू आता है ना, गोडम्बी, गोडम्बी गोडम्बी डालता है स्पेशल होटल का मसाला पूरा डाल के। अच्छा, कई प्रकार का मसाला इसमें डाला हुआ है, देखने में ही देखिए कितना यम्मी लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। और इसमें राइस डालना है अभी, इसमें साबुत लहसुन हमको दिख रहा है, गार्लिक जिसे आप समझ आए, लाल मिर्ची है इसमें। ये देखिए बहुत सारे मसाले हैं, इसके बारे में आपको रेसिपी की जानकारी और मैं आपको दूंगा। ये उसी के लिए कहीं शादी का ऑर्डर है। ये देखिए यहाँ इडली के लिए जो आपने जो बाहर खाते हैं इडली, ये राइस का कितना बड़ा यहाँ इसमें इडली का, ये 3 दिन लगे हुए हैं जिसमें 4 राइस पीसे जाते हैं और उसके बाद ये इडली का ये तैयार होता है। ये देखिए साइड काम सर, पार्ट टाइम जॉब। अच्छा, ये पार्ट टाइम जॉब है। ये वैसे कराटे एक्सपर्ट है, कराटे एक्सपर्ट है स्टेट का। क्या नाम है इनका? सुनील। सुनील जी कराटे एक्सपर्ट है। नहीं, सुनील जी कम करिए, थोड़ा सा चखेंगे। एक स्पेशल आइटम वो जो अभी तैयार हो रही है, ये देखिए सुमते है, ये स्पेशल ऑर्डर के लिए बना रहे हैं। ये इसको अभी हम चखेंगे कैसा है ये। इसमें इन्होंने मूंगफली डाली है, सींग दाना जिसे कहते हैं। अब इसको गार्निश करने के लिए आप देखिए धनिया वाह इसमें काट रहे हैं। धनिया से ये गार्निश किया गया है इसको। और मिक्स ओके, इसमें इनका कहना है मसाला ज्यादा हो गया था तो इन्होंने इसमें और चावल डाले हैं।
ताकि इसका टेस्ट खाने वाले को अच्छा से आ जाए। सर ये देखिए जी, एक विशेष जो इन्होंने तैयार किया है उसका टेस्ट मीठा नमकीन दोनों है इसमें, और सबसे ऐसा लगता है जैसे नॉनवेज का मसाला तैयार किया जाता है, स्पेशली मटन में बहुत सारे मसाले डलते हैं, उसी प्रकार से आपने देखा इतने सारे मसाले उसको पकाए जा रहे हैं, उसके साथ राइस को मिलाकर खाया जाता है। फर्स्ट में बहुत ही स्वादिष्ट है, इसका नाम मुझे बताइए फिर से। पुलियोग्रह कितना मुश्किल नाम है लेकिन स्वाद बहुत ही जबरदस्त है। पुलियोग्रह कर्नाटक का फेवरेट फूड है जी, कर्नाटक का फेवरेट फूड है पुलियोग्रह जो आज हमने चखा है। इसी प्रकार से आपको कर्नाटक के और जो व्यंजन है उसके बारे में बताया जाएगा। ये हमारे साथ जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है, स्टेट लेवल पर आप मास्टर करते हैं और ये उनका हॉबी है, एज ए हॉबी ये कितना अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। बहुत बहुत थैंक यू आपका, और हम मिलेंगे। मैं निर्मल रतनलाल मैं इसी प्रकार से आपको नए नए व्यंजन के बारे में जानकारी दूंगा और नए नए लोगों से आपको मिलवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।